नमस्कार, ये सूखे धनिया के बीज हैं और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए जो देसी दवाइयों में बहुत सारी ऐसी औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर कई जगह पे गर्म लिखी हुई है, कई जगह पे ठंडी लिखी हुई है। इसमें बहुत मतभेद चलता है, इसलिए आप परेशान मत होइए। मैं आपको इस वीडियो में इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बता दूंगा। कई लोग कहते हैं कि जी इसकी तासीर गर्म है, इसको हम भिगो के लेते हैं, रात को भिगोएं सुबह लें तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि जी ये ठंडी तासीर का ही होता है, तो इसलिए आप परेशान मत हो, इसमें मत उलझें, क्योंकि कई औषधियों में मतभेद होता है। मतभेद को दूर करने में क्या होता है, समय बहुत नष्ट हो जाता है। अब मैं आपको इसकी मात्रा बताता हूँ। इसकी मात्रा अगर आप इसको लेके पीस के पाउडर बनाते हैं तो इसकी मात्रा होती है आधा चम्मच से 1 चम्मच तक। मतलब आप इसको 1.5 ग्राम से 3 ग्राम तक सुबह शाम ले सकते हैं। काढ़े में भी आप इसका इस्तेमाल इतना ही कर सकते हैं, आधे चम्मच से 1 चम्मच तक, और इसका हिम में भी आप आधे चम्मच से 1 चम्मच तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेने का सही समय क्या होता है, सुबह और शाम को ज़्यादातर बीमारियों में लिया जाता है। कुछ बीमारियों में इसको सुबह खाली पेट के लेने के लिए बताते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ज्यादातर बीमारियों में खाना खाने के बाद बताया जाता है लेने के लिए, कुछ बीमारियों में खाना खाने से पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेने का सही तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। इसको लेने का पाउडर बना के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काढ़ा बना के कर सकते हैं, या हिम के रूप में इसका इस्तेमाल भिगो के सुबह आप छान के कर सकते हैं। अब इसको लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना ही इसको उचित मात्रा में लेंगे तो कभी ये हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव डालेगा, और इसको लेने के बाद हमें कभी ये नहीं लगेगा कि हमें इसकी आदत पड़ गई है, इसको नहीं लें तो हम बीमार महसूस करेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। और इसको कितने समय लेना है मैं ये बता देता हूँ। इसका ज़्यादातर लोगों इस्तेमाल जो करते हैं 1 से 3 महीने तक करने में ही उनकी बीमारियों में बहुत अच्छा आराम मिलता है, उनकी बीमारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों का बार बार जी मिचलाता है, सफ़र करते हैं तो उल्टियों की शिकायत तंग करती है, सिर दर्द की शिकायत तंग करती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा, खास तौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हमेशा जी कच्चा होता रहता है, तो सूखे धनिया के बीज आपने 50 ग्राम लेने हैं, अनारदाना 50 ग्राम लेना है सूखा, और आपने 20 ग्राम सेंधा नमक लेना है। तीनों को पाउडर बना लें अलग अलग, फिर बाद में मिला के रख लें, और 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से बार बार जी मिचलाने की समस्या या उल्टी आने की समस्या हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। जिन लोगों को अस्थमा एलर्जी की शिकायत तंग करती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सूखी धनिया और सूखी हल्दी की गांठ पीस के पाउडर बना लें। वो पाउडर आप क्या करें, 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें, पानी उबल उबल के आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतार के छान के उसकी भाप लें, मुंह से भाप लें, नाक से छोड़े, मुंह से ले और नाक से छोड़े, ऐसा करें। जब वो लगे कि थोड़ा ठंडा हो गया, उसे उसमें शहद मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से अस्थमा एलर्जी की शिकायत नष्ट हो जाती है। जो लोग खांसी की समस्या से परेशान हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा, मुलेठी 50 ग्राम, सूखे धनिया के बीज 50 ग्राम पीस के पाउडर बना लें, 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें, या 1 चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद चाटने से दोनों प्रकार की खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को लगता है कि उनके शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जा रही है, खाते हैं मगर खाए पिया लगता नहीं है, उन लोगों को कहना चाहूँगा, सूखी धनिया आपने 50 ग्राम लेनी है, बादाम गिरी 50 ग्राम लेनी है, पीस के पाउडर बनाना है, और उसमें देसी खांड 100 ग्राम मिलानी है। मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के गर्म दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो शरीर की कमजोरी भी दूर हो जाएगी, शरीर का वजन भी बढ़ेगा और आप अपने आप को ताकतवर भी महसूस करेंगे। जिन लोगों के पेट में कीड़े की शिकायत है, उन लोगों को कहना चाहूँगा, सूखी धनिया लेके पीस के पाउडर बना लें, 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के ढक्कन ढक के छोड़ दें, सवेरे उठ के उसे छान के सुबह खाली पेट रोजाना पीना शुरू कर दें। 1 दिन में 1 बार 7 दिन लगातार पीने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं और मल के रास्ते बाहर निकल जाते हैं।
जो लोग पेट की समस्या से परेशान है, पेट हमेशा भारी रहता है, भूख अच्छे से लगती नहीं, पेट में गैस एसिडिटी तंग करती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपने सूखी धनिया के बीज लेने हैं, पीस के पाउडर बनाना है, आधा चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के और उसमें मुनक्का की 4 दाने डाल के उसे अच्छे से पकाना है। जब पानी उबल उबल के आधा कप रह जाएगा, उसे नीचे उतार के छान के उसमें स्वाद अनुसार शहद मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से आमाशय अंतड़ियों को ताकत मिलता है, मंद अग्नि की शिकायत नष्ट हो जाती है, भूख भी खुल के लगती है और पेट हमेशा नरम सा बना रहता है, कभी उसमें गैस एसिड की शिकायत तंग नहीं करती है। जो लोग बार बार दस्त की बीमारी से परेशान है, दस्त में चाहे उनको डायरिया की शिकायत है, चाहे डिसेंट्री की शिकायत है, चाहे IBS की शिकायत है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, और डिसेंट्री को हम प्रवाहिका के नाम से जानते हैं, दस्त को हम डायरिया के नाम से जानते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सौंफ 100 ग्राम, सूखा धनिया का बीज 100 ग्राम और बेलगिरी 100 ग्राम, तीनों को लेके पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर दोपहर को, 1 चम्मच पाउडर रात को गुनगुने पानी से लेना शुरू कर दें। कुछ ही समय में दस्त की शिकायत, प्रवाहिका की शिकायत, संग्रहणी की शिकायत आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो लोग पथरी से परेशान है, बार बार गुर्दे में पथरी बन जाती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा सूखा धनिया ला के 100 ग्राम उसे पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के रात को ढक के छोड़ दें। सवेरे उठ के उसको ढक्कन हटा के उसमें कपड़े में छान के उसका जो पानी है वो सुबह रोजाना 1 दिन में 1 बार खाली पेट लेना शुरू कर दें। इससे गुर्दे की पथरी, मूत्र नली की पथरी, मूत्राशय की पथरी मूत्र के रास्ते घिस के बाहर निकल जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे और बार बार होने वाली पथरी की शिकायत से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिन लोगों के बार बार पेशाब की थैली में संक्रमण हो जाता है, मूत्र पथ में संक्रमण हो जाता है जिसे UTI के नाम से जाना जाता है, पेशाब करते समय उनको जलन या रुकावट महसूस करते हैं, ऐसे लोग सूखे धनिया ला के पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के ढक्कन ढक के रात को छोड़ दें। सवेरे उठ के खाली पेट उस पानी को छान के लेना शुरू कर दें। रोजाना 1 दिन में 1 बार लेने से कुछ ही समय में UTI इन्फेक्शन की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है और मूत्र भी खुल के आता है, मूत्र में जलन की शिकायत भी नष्ट हो जाती है। जिन लोगों की आंखों की नज़र कमज़ोर होती चली जा रही है और वो चाहते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़े, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सूखा धनिया ला के पीस के पाउडर बना लें, उसको 2 भागों में बांट दें, एक से आंख धोने के लिए और एक खाने के लिए। खाने का तरीका पहले बता देता हूँ, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने से नज़र तेज होती है और आँखों से संबंधित विकार दूर होते हैं। अब इसका धोने में कैसे इस्तेमाल करना है मैं वो बता देता हूँ। ये पाउडर 1 चम्मच लेके 1 गिलास पानी में डाल के उसे छोड़ दे, रात को ढक के छोड़ दे, ढक्कन ढक के। सवेरे उठ के उसका ढक्कन हटा के उसको कपड़े से छान के उसे अच्छे से आंखों के छींटे मारे और उसका पानी कुछ मुंह में डाल के कुल्ला करें और उसे फेंक दे। ऐसा करने से नजर तेज होती है, आंखों से संबंधित विकार हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और 1 दिन में 1 ही बार आंखों से के छींटे मारे, आंखों में छींटे मारने से नजर की संबंधित सभी प्रकार के विकार बिल्कुल दूर हो जाते हैं। जो लोग जोड़ों के दर्द व सूजन से परेशान हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा जीरा 100 ग्राम, सूखे धनिया के बीज 100 ग्राम पीस के पाउडर बना लें, उसमें शक्कर का पाउडर, जो गुड़ का पिसा हुआ पाउडर बोलते हैं उसे शक्कर बोलते हैं, वो 100 ग्राम लेके मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने से जोड़ों की सूजन व जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। जो लोग कब्ज़ की बीमारी से परेशान हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप हरड़ का छिलका 100 ग्राम, सूखी धनिया के बीज 100 ग्राम पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर रोजाना सोने से 2 घंटा पहले गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज़ की शिकायत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और आंतड़ियों को ताकत भी मिलेगी, खुश्की भी दूर हो जाएगी और आप अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करेंगे। जिन लोगों के नाक से, मुंह से, मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से खून बहता है जिसे हम नक्सीर बोलते हैं या रक्तपित्त की शिकायत बोलते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा नाग केसर 100 ग्राम, सूखा धनिया का बीज 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें और इसमें 100 ग्राम मिश्री का, धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी से लेना शुरू कर दें तो आपकी नक्सीर व रक्तपित्त की शिकायत हमेशा
के लिए दूर हो जाएगी और आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। जो लोग सिर दर्द से हमेशा परेशान रहते हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, सूखा धनिया ला के पीस के पाउडर बना लें। एक चम्मच पाउडर सुबह, एक चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसको इस्तेमाल करने से सिर की नसें नाड़ियों में ताकत मिलेगी और सिर दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। इसको और अच्छा बनाना है तो सूखा धनिया 100 ग्राम, बादाम गिरी 100 ग्राम पीस के पाउडर कर बना लें और उसमें देसी खांड 100 ग्राम मिला के एक चम्मच सुबह शाम गाय के गर्म दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें। कुछ ही समय में सिर दर्द की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जो लोग बार बार गले में इन्फेक्शन से परेशान हैं, बार बार करना पड़ता है, बार बार गले में कफ या रुकावट महसूस करते हैं, सूखा धनिया 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम, माजू फल 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। एक चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के उबालें। उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें शहद मिला के चाय की तरह या गरारे करके गरर गरर करके उसे पी जाएं। उसको पीने से गले से संबंधित सभी प्रकार के विकार, जिसे हम कहते हैं कि बीमारी, दूर हो जाती है और इन्फेक्शन वगैरह भी ख़त्म हो जाता है। जो कफ होता है जमा गले पे वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और गले से संबंधित सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। जो लोग अर्टिकेरिया, जिसे शीत पित्त एलर्जी या पित्ती उछलना के नाम से, दाफड़ होने के नाम से जानते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सूखी धनिया पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी से लेना शुरू कर दें और इसका पाउडर लेप बना लगाने में भी काम आ जाता है। इसका पाउडर लेके गुनगुने पानी में लेप बना के पित्त जहाँ जहाँ है आपको उस जगह लगा के आधा घंटा छोड़ें, उसके बाद गुनगुने पानी से धो दें। इससे पित्त उछलने की शिकायत, द्राफड़ की शिकायत, शीत पित्त एलर्जी, अर्टिकेरिया, चीज़ एक ही है, तकलीफ एक ही है, मगर नाम अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जो लोग बवासीर की बीमारी से परेशान है, बादी बवासीर या खूनी बवासीर, बादी बवासीर में जलंधर तंग करता है, खूनी बवासीर में मल के साथ खून आता है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा, हरड़ का छिलका 100 ग्राम, मकोए 100 ग्राम और सूखी धनिया 100 ग्राम बीज लेके पीस के पाउडर बना लें। सभी को पाउडर बना के 2 भागों में बांट दें, एक खाने के लिए, एक सिकाई करने के लिए। पाउडर जो खाने के लिए है वो पहले बता देता हूँ, 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से बादी खूनी बवासीर नष्ट हो जाती है और हमेशा के लिए रोगी ठीक हो जाता है। अब सिकाई कैसे करना है, 1 चम्मच पाउडर लेना है, 3 गिलास पानी में डाल के 5 मिनट के लिए उबालें। अच्छे से उबल के नीचे उतार के छान के उसमें रुई डुबो के या कपड़ा डुबो के पहले उसे हाथ पे लगा के देख लें कि आपकी त्वचा सहन लायक है या नहीं। जैसे लगे कि अब त्वचा सहन लायक है, रुई डुबो के या सूती कपड़ा डुबो के मल द्वार, जिसे गुदा द्वार बोलते हैं, उसकी सिकाई करेंगे तो मस्से मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे और जलन दर्द और खून आने की समस्या दूर हो जाएगी। जो लोग थायराइड की बीमारी से परेशान है, उनका वज़न बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों प्रकार के थायराइड वाले लोगों को कहना चाहूँगा कि सूखे धनिया के बीज ला के पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के ढक्कन ढक के रात को छोड़ दें। सवेरे उठ के खाली पेट इसको छान के कपड़े से वो पानी आप रोजाना पीना शुरू कर दें। कुछ ही समय में थायराइड की शिकायत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हर 3 महीने पे अपना कंप्लीट थायराइड का टेस्ट करवाते रहे ताकि आपको भी पता चलता रहे कि आप कितने ठीक होते जा रहे हैं। जैसे आपकी बीमारी, थायराइड की बीमारी जड़ से ठीक हो जाए तो कुछ समय इसका लगातार और इस्तेमाल करके इसको बंद कर दें, आपको दोबारा कभी थायराइड की बीमारी नहीं होगी। जिन महिलाओं को मासिक धर्म खुल के नहीं आता, उन महिलाओं को कहना चाहूँगा कि हल्दी साबुत 100 ग्राम और सूखे धनिया के बीज 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी से 1 महीने में लगातार 21 दिन इस्तेमाल करने से मासिक धर्म खुल के आता है और कई महिलाओं को मासिक धर्म जो आता है पीसेज रूप में आता है, क्लोट के रूप में आता है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोनों प्रकार से परेशान महिलाएँ इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकती हैं। जो लोग शुगर की बीमारी से परेशान है, जिसे मधुमेह, डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जामुन की गुठली सूखी 100 ग्राम, करेले सूखे 100 ग्राम, गुड़मार बूटी 100 ग्राम और सूखे धनिया के बीज 100 ग्राम ला के पीस के पाउडर बना लें।
एक चम्मच पाउडर सुबह, एक चम्मच पाउडर शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से आपका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। जिन लोगों को त्वचा पे खारिज, खुजली, दाद या एक्जिमा की शिकायत तंग कर रही है, सोराइसिस की शिकायत तंग कर रही है, कोढ़ की शिकायत, कुष्ठ रोग बोलते हैं उसकी शिकायत से परेशान है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि बावची बीज 100 ग्राम, सूखे धनिया के बीज 100 ग्राम, खदिर काष्ट जिसे हम खैर छाल के नाम से या खदिर छाल के नाम से जानते हैं वो 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। एक इसको दो भागों में बांट दें, एक भाग लगाने के लिए, एक भाग खाने के लिए। पहले खाने वाला तरीका बता देता हूँ। एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से त्वचा से संबंधित सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। अब लगाने का तरीका बता देता हूँ। जो पाउडर आपने लगाने के लिए रख रखा है वो थोड़ा सा पाउडर लेके कटोरी में डाल के उसमें नारियल का तेल डाल के पेस्ट बना लें। वो पेस्ट आप जहाँ जहाँ आपको त्वचा रोग तंग कर रहा है उस जगह लगा के आधा घंटा छोड़ के गुनगुने पानी से धो दें। ऐसा करने से त्वचा से संबंधित सभी प्रकार के विकार हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, बाल समय से पहले सफ़ेद होते जा रहे हैं, बाल घने नहीं होते, बालों की ग्रोथ नहीं होती, उन लोगों को कहना चाहूँगा आंवला सूखा 100 ग्राम, सूखे धनिया के बीज 100 ग्राम और मुलेठी 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। इसको दो भागों में बांट दें, एक लगाने के लिए, एक खाने के लिए। पहले खाने का तरीका बताता हूँ। एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को गुनगुने दूध के साथ, गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है भोजन के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से बालों से संबंधित सभी प्रकार के विकार झड़ते हैं, उनमें डैंड्रफ की शिकायत है, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, घने नहीं हो पाते या उनमें चमकीलापन खत्म होता जा रहा है, रूखापन बढ़ता जा रहा है, ये समस्या दूर हो जाती है। अब लगाने का कैसे करना है इसका वो बताता हूँ। एक चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में डाल के ढक्कन ढक के रात को छोड़ दें। सवेरे उठ के इसको छान के वो पानी आपने अच्छे से बालों की जड़ों में अच्छे से धोना है और आधे घंटे तक लगा हुआ छोड़ देना है वो पानी। उसके बाद उसको धो दें। ऐसा हफ्ते में सिर्फ 3 बार करने से बालों से संबंधित सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं और जो बाल से परेशान लोग हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों का बीपी बढ़ता है उन लोगों को कहना चाहूँगा सूखे धनिया के बीज 100 ग्राम, अर्जुन की छाल 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। एक चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। उबल के जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के उसमें देसी खांड मिला के आप सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे तो हाई बीपी की शिकायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं कि जी हमारा मोटापा खत्म हो जाए, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा सूखी धनिया और जीरा बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना लें। एक चम्मच पाउडर सुबह, एक चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने से शरीर में जमा हुई चर्बी जो ज़्यादा मात्रा में शरीर में जमा हो गई है वो पूरी तरह से घुल के मल मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाती है और मोटापा खत्म हो जाता है। धनिया के बीज के मैंने आपको इतने सारे फायदे बताए तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बताया। तो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें, इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 2 बार मल त्याग करने आपको जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कि दस्त की शिकायत आपको तंग कर सकती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।